यह संसार मेरा, यह घर मेरा, यह दुकान मेरा, यह पति मेरा, यह जो ममता है और मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा, यह अहमता है। इस अहमता से और इस ममता से मुक्त होने के लिए माँ सत्संग करो, संतों के संग जाओ। बेटा संत कैसे होते हैं, कैसे पता चले कोई संत है? बहुत सुंदर श्लोक बताए हैं, कुछ गुण होते हैं जिनसे संतत्व होता है। तो विषयों के संग से छूटने के लिए जिसमें दया है, जिसमें करुणा है, जो अजात शत्रु है, संसार में जिसका कोई शत्रु नहीं, जिनके भीतर दया है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मान हो अपमान हो निंदा हो, ना मन में राग हो ना मन में द्वेष हो, ऐसे संत आज भी है। अनंताचार्य जी महाराज जब दक्षिण में जगत गुरु की पदवी पर थे, बहुत विद्वान थे, उत्तर भारत के पर बैठे थे दक्षिण भारत के जगत गुरु बनकर, तो वहां के जो लोकल विद्वान लोग थे वो उनसे बहुत चिढ़ते थे। एक बार उनका इतना घनघोर अपमान किया कि किसी भी तरह से इनके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए, ये बौखला जाए, ये अपनी पदवी से नीचे गिर जाए। तो भारत भर के संतों को इकट्ठा किया दक्षिण भारत में, और जब सारे संत इकट्ठा हो गए और मंच पर बैठे थे, तो उन संतों के जो जूते थे या उनके जो सैंडल थे, उनकी जो चप्पल थी, उनकी माला बनाई और अनंताचार्य जी महाराज के गले में डाल दी। सोचा था कि इतना अपमान होगा तो नाराज होंगे, क्रोधित होंगे, लेकिन संतों के पैरों के जूते गले में पहनकर अनंताचार्य जी महाराज तो उठे और उस भरी सभा में नाचने लगे, कहने लगे मुक्ति के लिए न जाने कितने उपाय करने पड़ते, कितने वेद पढ़ने पड़ते, कितना योग करना पड़ता, कितना ध्यान करना पड़ता, और आज प्रभु की कृपा ऐसे देखो, जो संत ये कर रहे हैं उन संतों की चरण रज यदि मेरे गले में आ गई है तो हम तो इन्हीं का सहारा लेकर भवसागर पार हो जाए। तो कितनी भी स्थितियां विपरीत हो जाए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, फिर भी जो जीवन की हर परिस्थिति में संतुष्ट हैं, मन में कोई तृष्णाएं नहीं, मन में कोई कामनाएं नहीं, लालसाएं नहीं, इच्छाएं नहीं, दूसरों के दुख को देखकर जो स्वयं दुखी हो जाए, जो अपने घर में आग लगा ले दूसरे के घर को रोशन करने के लिए, जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले दूसरों के सुख के लिए, उसे संत कहते हैं, जिनके करीब बैठकर मन शीतल हो जाए, मन शांत हो जाए। तो बेटा ऐसे संतों के संग से क्या होगा? बोले माँ ऐसे संतों का संग करने से आप मेरी कथा सुनोगे, और कथा सुनते सुनते मुझसे प्रेम हो जाएगा, रति हो जाएगी, परमात्मा के प्रति हमारे मन में प्रेम पैदा हो जाए। बस यही इस भागवत की कथा के आयोजन के फलश्रुति है। भागवत यह भगवान से प्रेम पैदा करने वाला साधन है। और जैसे ही देखिए रति होना, जन्म जन्म रति राम पद, परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा हमसे प्रेम कर रहा है या नहीं, ये ना सोचने की आवश्यकता है न जानने की आवश्यकता है। तुम हमें चाहो ना चाहो, पर हम तुम्हें चाहा करें। वन साइडेड लव, एक तरफा प्रेम, हम परमात्मा से प्रेम कर बैठे। तुम हमें देखो ना देखो, पर हम तुम्हें देखा करें। माँ और बेटे का बड़ा सुंदर सत्संग है। कुछ प्रश्न तो देवहूति जी ने बस बहुत विस्तार से है, अपने आप में सांख्य योग का उपदेश दिया, भक्ति योग का उपदेश दिया, ज्ञान योग का उपदेश दिया, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, परमात्मा क्या है,
सारे रहस्य भागवत में यह कपिल गीता है, यह अपने आप में एक गीता है। जो अर्जुन को गीता सुनाई वो सारा का सारा ज्ञान आज माँ देवहूति को सुना रहे, और यहां मन की बात कर रहे हैं। देवहूति जी कहती है, बेटा मैं भक्ति तो करना चाहती हूं पर मन लगता नहीं है। ये कॉमन क्वेश्चन है हर किसी का, मन नहीं लगता। बच्चे एक जगह टिक ही नहीं सकते हैं, मैंने कहा ना 2 मिनट बैठकर ये हनुमान चालीसा पढ़ ही नहीं सकते हैं। पढ़ने होते हैं 10 मिनट में 10 बार उठते हैं, अरे भाई पढ़ ले, स्कूल की किताब नहीं पढ़ी जाती, ना कोई शास्त्र पढ़ाया जाता, क्योंकि मन लगता ही नहीं है, एक जगह टिकता ही नहीं है। मन लग ही नहीं सकता माँ बिना योग के। अष्टांग योग की सारी चर्चा की है। इस तृतीय अध्याय में भगवान कपिल ने बहुत सुंदर उपदेश, जब तक अष्टांग योग नहीं होगा जीवन में, जब तक यम नियम का पालन नहीं, आसन नहीं करोगे, सुबह उठोगे तब तो आसन करोगे, उठने का समय जिसका 8 बजे होगा वो क्या तो सूर्य नमस्कार करेगा, सूर्य तो पहले ही आ चुके हैं, कई कई तो 10 बजे ही उठते हैं, सूर्य इधर से आ रहा है कि उधर से आ रहा है कि कहां जा रहा है पता ही नहीं होता। प्रातः काल जागे, सूर्य नमस्कार करें, कुछ प्राणायाम करें, सात्विक आहार हो, सात्विक विहार हो, सात्विक विचार हो, ये सब प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हमको लगता है ये योग करना सिर्फ योगियों का काम है, हम तो घर का ही काम इतना कर लेती है ना, हमारा तो योगी हो जाता है। ये घर के काम से योग कहाँ होता है, क्योंकि घर का काम करते करते तुम कोस रहे होते हो, आज नौकरानी नहीं आई, ये सारा काम मैं ही करूं, क्या मैंने ही सारी जिम, इसमें योग कहां से हो गया। योग तो तब होता जब तुम उस कार्य में पूरी तरह से डूब चुके होते, पर हमारा तन कुछ और कर रहा होता है, मन कुछ और ही कर रहा होता है। इस मन को जब तक मंदिर में बैठते हो तब तक भी टिकता नहीं, उसी समय दुनिया भर में किससे लेना है, किसका उधार बाकी है, किसको देना है, वो सोने का आ गया कि वो चेक पास हो गया, सारा उसी समय, और कुछ नहीं तो वो दूध गैस पर उसी समय रखा रहता है आपका। और आजकल तो मोबाइल पास में ही पड़े होते हैं, हर क्षण में हर एक लाइन में हनुमान चालीसा के आप पहले मोबाइल देखते हो, किसी का व्हाट्सएप आ गया, किसी का मैसेज आ गया, किसी का फोन आ गया, और ये सब यदि हमें करना है तो पहले हमें रोज योग करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं 30 सालों से योग कर रही हूं, तब तो मुझे पता नहीं था कि भागवत में भी कहीं योग लिखा होगा। और जब मैंने भागवत अध्ययन शुरू किया तो पहले मुझे लगा यार योग छूटेगा क्या, पर देखा तो भागवत में एक जगह नहीं, कई सारी जगह, भगवत गीता में एक जगह नहीं, पूरा तो भगवत गीता ही योग से भरा पड़ा है। बिना योग किए भागवत कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपने भागवत तो है ही समाधि का ज्ञान, जब तक समाधि नहीं आती, जब तक ध्यान नहीं आता, तब तक भागवत ना कही जा सकती है और ना समझी जा सकती है, सिर्फ कानों से सुनी जा सकती है बस। तो ध्यान बहुत आवश्यक है, जैसे रोज आरती करना आवश्यक है ना, भागवत की सुबह आरती, शाम को आरती, वैसे रोज घर में घर के हर सदस्य ने एक साथ बैठकर कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन, सामूहिक मेडिटेशन। 40 साल हो गए माला फेरते फेरते, माला तो कर्मे फिरे और जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो चहु दिस फिरे, पर यो तो सुमिरत सुमिरन, इसको सुमिरन थोड़ी बोलते हैं। 40 साल कोई माला फेर ले और उसको भगवान ना दिखे, ये तो मत कर, असंभव है। पर दिखता नहीं है ना, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वैसे ही माला फेरते हो, वैसे ही पूजा पाठ करते हो, एक ही काम है, सब एक ही जैसे, इससे बेहतर तो करो ही मत। मन का खाना है विचार, और जब तक विचार शांत नहीं होंगे इस संसार के, तब तक मन टिकता नहीं है। तो बहुत सुंदर ध्यान की विधि, इच्छा तो बहुत थी आज हम ध्यान की विधि करें, परंतु समय मुझे नहीं लगता है कि हमें इजाजत देगा।
तो माँ मेरा ध्यान करो। और फिर जो ध्यान की विधि बताई है ऊपर से लेकर नीचे तक प्रभु के दिव्य श्री विग्रह का ध्यान करें, चरणों से शुरू करें। क्यों भगवान है क्या चीज, चलिए 5 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। करेंगे सब लोग, करेंगे? यस, ओके। तुम्हारी माँ के लिए ध्यान विशेष कर, क्योंकि उनकी दिली इच्छा है कि बहुत प्यास है ध्यान की। तो आइए हम सब करते हैं एक बार। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए शरीर को पूरा ऊपर स्ट्रेच करिए, पेट अंदर ले जाइए, बहुत बाहर निकला हुआ है। एक ही टाइम भोजन किया करो, नहीं तो कोई ध्यान नहीं लगेगा। सारा ध्यान तो खाने में पड़ा है और फिर उसको पचाने में पड़ा है। और सांस को छोड़ते हुए अब आंखें बंद करिए और अपने दोनों हाथों को बाईं हथेली नीचे और दाहिनी हथेली उसके ऊपर अपनी गोद में रख लीजिए। अब रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी सांस भीतर भरें। जिनको ध्यान नहीं आता, आज इससे बढ़कर कोई ध्यान नहीं है जो विधि आप अभी कर रहे हैं। भगवान कपिल अपनी मां देवहूति को ध्यान सिखा रहे हैं। अब आंख नहीं खोलेंगे, अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएं। अपनी हर सांस के साथ उन सांसों की शुद्धि के लिए आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी बंद पलकों के पर्दे पर एक चित्र निर्माण करिएगा। भगवान कपिल कहते हैं, माँ भावना करो कि मैं श्री वृंदावन धाम में हूं, जमुना जी के तट पर बैठे हैं और जमुना जी के किनारे ऊंचे ऊंचे तमाल के वृक्षों के नीचे प्रिया और प्रियतम गलबैयां देकर खड़े हैं। दिव्य वृंदावन धाम है जहां मंद मंद समीर बह रही है, बंसीवट पे अष्टदल कमल पर राधा गोविंद खड़े हैं और मैं उनको निहार रही हूं। प्रयास करो, अपने मन में चित्र बनाओ अपने ठाकुर जी का, प्रिया जी का। सबसे पहले अपना ध्यान श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ, जहां 24 चिन्ह हैं, श्याम सुंदर के दाएं चरण में जितने चिन्ह हैं वो राधा रानी के बाएं चरण में हैं। उन चिन्हों का ध्यान करो। पहला चिन्ह है अंकुश, यह वो अंकुश है जो महावत के हाथ में होता है और वह हाथी को नियंत्रित करता है एक छोटे से अंकुश से। माँ उस अंकुश का ध्यान करने से यह मन रूपी मतवाला हाथी वश में आ जाता है।
इस मन रूपी चंचल हाथी को धीरे धीरे इस अंकुश से वश में करें। दूसरा चिन्ह वज्र का, यह वो वज्र है जो राक्षसों का संहार करता है। हमारे मन में काम, क्रोध, मोह, द्वेष रूपी राक्षस हैं। सारे पापों का विनाश वज्र के ध्यान से। चरणों में जो कमल है उस कमल का ध्यान करो। कीचड़ में रहकर भी जो शुद्ध है, ऐसे ही यह मन संसार में रहकर भी संसार से लिप्त ना हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। इन्हीं चरणों में मछली है जो बिना जल के तड़प तड़प कर मर जाती है। जैसी मछली की जल में प्रीति, वैसे ही मेरी नंद नंदन के नाम में, उनके रूप में प्रीति हो। ध्वजा का चिन्ह, जैसे मंदिर के ऊपर ध्वजा लहराती है, भगवान के चरणों में ध्वजा का चिन्ह है। यह भक्ति की ध्वजा है। स्वस्तिक जो मन के संतुलन का प्रतीक है। ध्यान करें भगवान के चरणों में जो नाखून है चमचमाते हुए दिव्य। योगी जिनका ध्यान करते हैं, ज्ञानी योगी जिस प्रकाश में विलीन होना चाहते हैं, वह प्रकाश जो आपके हृदय के अंधकार को दूर कर रहा है। प्रार्थना करो, हे गोविंद, अपने चरणों को मेरे हृदय में स्थापित कर दो। प्रणत देहि नाम पापकर्षण तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम्। गोविंद के चरण नीचे से लाल हैं और ऊपर से श्याम हैं। चरणों में जो पायल, उन पायल में लगे हुए नूपुर की झनकार सुनिए। प्रभु के जितने भी दास्य भक्त हैं, वो प्रभु के चरणों की नूपुर बन गए हैं, पायल बन गए हैं। हे गोविंद, मुझे भी अपने चरणों का नूपुर बना लो। मुझे अपनी चाकरी अपनी सेवा में रख लो। धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाओ। कमर में जो करधनी बंधी है उसमें भी नूपुर लगे हैं। ये भगवान के सखा है। आप भगवान के सखा बन जाओ, उनके करधनी के नूपुर बन जाओ। ये मधुमंगल है, सुदामा है, अर्जुन है, कोई बाजूबंद बन गया। देखो प्रभु की नाभि, इसी नाभि से कभी कमल पैदा हुआ जिस पर ब्रह्मा जी आए और सृष्टि बना दी। वक्षस्थल का ध्यान करें, जहाँ कौस्तुभ मणि साक्षात, जहाँ श्री जी विराजमान हैं। ये वो वक्षस्थल है जहाँ भृगु जी महाराज ने लात मारी। भृगु जी के चरण चिन्ह देखो।
गले में पड़ी वनमाला, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह, पांच तरह के पुष्पों से बनी हुई माला। आप सफेद रंग के पुष्प बनना चाहते हैं, ये शांत रस के भक्त हैं। पीले पुष्प दास्य रंग के भक्त हैं, नीले पुष्प वात्सल्य रंग के भक्त हैं, और लाल रंग के पुष्प ये मधुर रस के भक्त हैं। भगवान की वनमाला उनके सौंदर्य में, ये भक्त भगवान की वनमाला बनकर उनके गले में है। भगवान की भुजाओं को देखो, ये वो भुजाएं हैं जिन्होंने गिरिराज उठाया। कैसी कैसी सुंदर लंबी लंबी भुजाएं, इन्हीं भुजाओं ने द्रौपदी की लाज बचाई, इन्हीं भुजाओं ने डूबते हुए गजराज को बचाया, इन्हीं भुजाओं का सहारा ले लें। प्रार्थना करें, यह भुजा मेरे शीश पर विराजमान हो, सुंदर सुंदर हस्त कमल, गौर से निहारो प्रभु के हाथों को, यह हस्त कमल तो चरण कमल से ज्यादा दयालु है, चरणों पर तो हमें जाना पड़ता है, पर यह हस्त कमल तो स्वयं आगे बढ़कर हमारे शीश पर आते हैं। हे गोविंद, कब यह हस्त कमल मेरे शीश पर पधराओगे? कब मेरे चित्त को हरोगे? प्रभु के अधरों पर बंसी है, कैसी सुंदर बंसी बज रही है। अधरों का तकिया बनाया, अपने हाथों का पलंग बिछाया, और इस बंसी महारानी की सेवा कर रहे हैं। क्या बड़ भागिनी है, यह बंसी कोई और नहीं साक्षात राधा रानी है, जो अपने प्रियतम के अधरों का चुंबन कर रही। निरंतर भावना करो कि हे गोविंद, यह बंसी एक बार सुना दे। इसी बंसी से गोपियों का चित्त चुराया, हे माखन चोर, हे चित्त चोर, मेरे मन को चुरा लो। इस बंसी की धुन में पूरी तरह से डूबते हुए प्रभु का सुंदर मुखारविंद उन्नत ललाट, कोई भक्त कुंडल बन गया, अपने श्याम सुंदर के अधरों का चुंबन करते हुए कोई बुलाक बन गया। बड़े बड़े नयन आकर्णान तक कमल नयन, सुंदर नेत्र, इन नेत्रों को निहारो मां। इन नेत्रों के भीतर जो जल है, वो जल साक्षात यमुना जी हैं, जिन्होंने इन नेत्रों को निहार लिया, सदा सदा के लिए उनके हृदय में ये बस जाते हैं।
हे गोविंद, एक बार अपने नेत्रों से हमें निहार लो। कैसी मेरी दुर्दशा हो रही है, मैं मानसिक रोगों से घिरी हूं। शरीर मेरा भले ही स्वस्थ हो पर मन नहीं है। धीरे धीरे भगवान के ललाट पर केसर का तिलक है, जरी की पगड़ी पहनी है, मोर मुकुट है, कितना सुंदर श्रृंगार। ये जितने प्रभु के श्रृंगार रस के भक्त हैं, वात्सल्य रस के भक्त हैं, यही प्रभु का श्रृंगार बन गए। अब श्याम सुंदर से चले चरणों से ऊपर, अब ऊपर से नीचे आए राधा रानी की ओर से। श्याम सुंदर के मुकुट से प्रिया जी की चंद्रिका पर आए। यशीश की चंद्रिका मुकुट मानो आपस में मिल जाना चाहते हैं। अनंत कृपामयी, अनंत करुणामयी, अनंत क्षमामयी, जिनके हस्त कमल सारे संसार को आशीर्वाद देने के लिए उठे हैं। नीली नीली साड़ी में, यह नीली साड़ी कोई और नहीं, स्वयं श्याम सुंदर यह नीली साड़ी बनकर प्रिया जी का श्रृंगार कर रहे हैं। और प्रिया जी पीला पीतांबर पहनकर निरंतर अपने प्रियतम के वक्षस्थल से लगी हुई। किशोरी जी के दिव्य चरण, सुंदर चरण, चरणों में पायल, उंगली में बिछुआ, इन चरणों का ध्यान करें और प्रार्थना करें युगल सरकार के चरणों में। इन चरणों की धूल यदि मिल जाए तो मेरा जीवन संवर जाए। मेरा भजन, मेरा साधन मुझे प्रभु आप तक नहीं पहुंचा सकता। आपके चरणों की रज भी मिल जाए तो जीवन संवर जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुन
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।